ยาพลันสันดาตลาสดีราชบาลีฮูเกกับบอลไรเมฟอร์นอาซาลีเซ็คเฮลดีดีราชช่วยจับจับหัวสุดาราบอลสักเซ็คนี่ก็จะกลายเป็นการเซ็คเฮลมาฮูเกสเซ็คบอลจะถูกเตะไปที่ดีราชจะถูกตีกันเข้าลานี่อาวุธเดินไล่ขึ้นดีอ่ะกระจัดกระพริบเด็กบอลล์กันด้วยนะสันดาร์บอลเล็กบอลจะชนะได้ก็เลยขึ้นดีขึ้นดีฮุบีอ่ะคุณฟิสิกส์เดินไล่ขึ้นดีอ่ะสันดาร์ตบสูงไปที่บุกคนนี้ก็จะบอลก็เป๊ะเข้าไปได้เลยสันดาร์ก็ทิ้งกันได้ดีด้วยอุจฉาลภรีเอกอัปปาร์กัยตาระนอบอลนอบอลถ้าเกิดโฮกันก็โฮกันยังไงก็แบบนี้ก็ได้ไรก็ได้อัปปาร์ก็ยังไม่ได้लब करके खिलाड़ी कवर ड्राइव में खेलने की कोशिश उछाल भरी है गेंद साइड में सिंगल करना चाहते थे Thank you.
प्रश्न हो जाए नीरज जी का यहाँ मछी लाल बाबू मुकाबला जो दौर में चलता हुआ तीन ओवर की समाप्ति पर नौ रन और गेंद फेंकने से पहले दर्शक कोई ज्यादा हल्ला मत करे नहीं तो दिक्कत होगी अंपायरिंग के लिए Hey!
प्लेयर मेहनत करते हुए मैच को जीतने के लिए और उछाल भरेंगे। लाजवाब पूरी दस रन, चार ओवर की समाप्ति पे दस रन। दोनों टीम का परसेंटेज अभी निकालते हैं किसके पक्ष में ये मैच सबसे ज्यादा है। कमेटी मेंबर निकाल लिए हैं, दोनों तरफ ये मैच है 50-50%। देखो जी अद्भुत साफ खेलते हुए बिल्कुल मैचुअल के जैसे, हर बार कोशिश करते हैं बल्ले पे वो आती नहीं है। गे बिल्कुल अलग अंदाज में खेलते हुए देखो जी, छोटे कद के खिलाड़ी जी के ग्राउंड को बढ़ाते हुए हल्के हल्के कदमों से बहुत करके क्लब प्रमुख प्रतिनिधि बड़े भैया विश्व विजय निषाद जी हम लोग के बीच में। मैं चाहूंगा दर्शक बंधुओं से जोरदार तालियों से स्वागत बड़े भैया विश्व विजय निषाद जी। काफी रोमांचक है ये मैच, सब वर्कर हुआ की ग्राउंड पे चलता हुआ देखते हैं कौन सी टीम है जो चमकते हुए सितारों की तरह केपीएल के ग्राउंड पे इतिहास लिखती है। और मैच को प्ले किया जाए और फिर से काफी खतरनाक बैटिंग करते हैं डीके, काफी लाजवाब मुकाबला चलता हुआ केपीएल ग्राउंड। कौन से टीम को जीत आती है फाइनल मुकाबला कुछ अलग ही अंदाज में, और दोनों बैटमैन आपस में घटना करते हुए 5 ओवर की समाप्ति पर 14 रन, 5 ओवर की समाप्ति पर 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर कैप्टन कड़वा करते हुए कि मैच को कैसे जीतेंगे हम लोग। पोखरविंदा की टीम काफी लाजवाब टीम मारी जाती है,
लाजवाब बोली करते हैं पुकार भिंडा के प्लेयर जितने चलाए ले बोलते ना छोटे प्लेयर अच्छे खिलाड़ी है चौदह रन पांच ओवर की समाप्ति पर चौदह रन एक फाइनल मुकाबला चलता हुआ बाहरी गेंद बना पकड़ भिंडा की गेंद देखते ही देखते एक रन आसानी से चुरा लिया एक अच्छे खासे प्लेयर हैं जोरदार अभी काफी छोर छोर का मुकाबला चलता हुआ चारों तरफ गेंदे लगा दिए गए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो बस को निर्णय लेने के लिए अब्बा कैसा हुआ चलेंगे ठीक के लिए गजब का खोल राजेश जी करते हुए मैच को जीतने के लिए आपको ऐसा ही फील्डिंग करनी होगी आदम उठाते हुए मैच का बार बार रिवर्स शॉट खेल रहे हैं और छह ओवर के समाप्ति पर पंद्रह रन छह ओवर के समाप्ति पे 16 रन समूह बनाते हुए और मैं बता देता हूं दोनों टीमों के कैप्टन से इस ओवर के बाद आप लोग लाइन अप हो जाइएगा Thank you.
बार बार बच्चे खराब की सर्वे करते हुए स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे सदीप। किस्मत में हर बार है जो उनके ऊपर और अंपायर का इशारा वाइड। पूरी टीम संघर्ष करती हुई गजब का गेंदबाजी काफी दबाव में रखे हैं प्लेयर को। पूरे प्रेशर में है बैटमैन। देखते हैं कौन खिलाड़ी है जो कुछ जलवा निकलाता है। काफी रोमांचक ये मैच फाइनल का चलता हुआ। हॉकी टूर्नामेंट फाइनल मुकाबला रोमांचक भरी ये मैच। काफी परेशान है दो रन लेने के लिए। बार बार रिवर शॉट खेल रहे थे और आसानी से रिवर शॉट पे ही दो रन लगा दिया। 19 रन जीत के लिए सात ओवर के समाप्ति पर 19 रन। ओए मेहदी आकाश एक अच्छा खासा प्लेयर है। तीस गेंद में तेईस रन की जरूरत का चौथा का चलता हुआ और ये दोनों क्या दिक्कत हुई जो बाहर ही फेंक दिए गेंद को। शायद ये परेशान सब करवाता है। जब आप परेशान होते हैं तो गलतियां होती रहती है। आप इतने बड़े मैच में ऐसा गलती नहीं कर सकते हैं। खूब परेशान चमकता हुआ सितारा बन सकता है। बाहीगंज में जीतने के लिए क्या काबिलियत रखता है ये बंदा। गिना दे दो बाबू। मेहमी हसन स्टार प्लेयर है अच्छे खासे प्लेयर है। चलो चलेंगे मेहमी हसन के लिए। गजब का गेंदबाजी करते हैं चंदो और आसानी से खेल दिया एक रन। शानदार बैटिंग मेहदी हसन करते हैं। 20 रनों की जरूरत है। काफी रोमांचक हरी है।
गजब का गेंदबाजी फिर से रिवर शॉट खेलेंगे बार बार रिवर शॉट खेलने की कोशिश लेकिन नाकाम रह रहे हैं जीते हैं और सैकड़ों फाइनल भी जीते हैं अपने करियर में।
प्रदीप जी का अच्छे खासे और आपका रन हुआ है 29 रन, 13 रनों की जरूरत, 18 गेंदों में 13 रन की जरूरत। मेहदी हसन को टीक कर खेला होगा मैच को जीतने के लिए, जो अच्छे खासे प्लेयर हैं बिल्कुल विराट कोहली के जैसे खेलते हैं। रोमांचक भरी है मैच और कावेरी अंजाला होगा मेहदी हसन को गेंदबाज में। 17 गेंदों में 13 रन की जरूरत, लाइन नहीं चलता क्या? पुगर विंडा की टीम स्टार्टिंग मारी जाती है, बाद में क्यों देख अरे गजब का गेंदबाजी करते हुए चंदन, चंदन को चमकना होगा अपनी टीम के लिए। और ऑफसाइड बिखेर दिया आसानी से एक रन, चंदन की गेंद को सामना करेंगे प्रदीप माही गज के प्लेयर प्रदीप। और ये देखते क्या होता है, लाजवाब गुड रनिंग दोनों बैट्समैनों के द्वारा, काफी सूझबूझ से बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैट्समैन। उछाल भरी है गुड रनिंग, शायद अगर डायरेक्ट हिट होती एक अच्छे खासे प्लेयर हैं। सात विकेट, 31 रन, मात्र 3 विकेट बची है। काफी रोमांचक भरी है मैच, कमजोर होने वाले अपना इस पर जगह ले लीजिए, ये रोमांचक भरी है मैच। अगर गेंद बाहर जाती है तभी आप पकड़ेंगे, दर्शा पकड़े, ये रोमांचक भरी है मैच। माही गज बराम उधर भिंडा के बीच, कौन है वो टीम जो चमकते हुए सितारों को पारेगी तो बिना रन की जरूरत। रोमांचक भरी है मैच, धड़कने बढ़ रही है दर्शक के, जब रोमांचक मैच होता है अपने आप ही धड़कन बढ़ने लगते हैं। गजब का ये मैच, पूरे परिसर में बैटमैन, कौन है वो खिलाड़ी जो मैच जिता सकता है माही गज, कौन है वो प्लेयर जो अपना जलवा निकला सकता है, कौन है वो खिलाड़ी जो करियों के ग्राउंड पे चमकेगा ऐसे समय पर। काफी काटा का मुकाबला चलता हुआ ग्राउंड पर,
अंपायर ही बदलाएंगे वहां पिछला प्लेयर बच जाए देखिए वो हर दर्शक या प्लेयर नहीं जाएंगे दोनों टीम के प्लेयर नहीं जाएंगे अंपायर का इशारा दो रन आप हर जाइए दर्शक फील्ड में से कड़ा मुकाबला चलता हुआ और ये नौ रन प्रदीप पिच पर खेलना होगा ऐसे समय पे क्या वो प्रदीप होगी या फिर होगी जो मैच को जिता सकते हैं जी हाँ दोनों बैटर काबिलियत रखते हैं मैच को जिताने के लिए अगर तक कहे तो कौन बैटर है जो काबिलियत रखता है मैच को जिताने के लिए रन आउट कौन है इंग्लैंड भोपाल तक भरी है मैच गजब का मुकाबला चलता हुआ ग्राउंड पर खेस भी अपना विकेट ही गवा बैठे प्रदीप पवेलियन जाते हुए किया है लास्ट विकेट मुकाबला चलता हुआ दर्शक अंदर नहीं आएंगे जितने भी दर्शक है आप बाहर हो जाइए वो फाइनल मुकाबला है काफी बाहरी गेट के प्लेयर परेशान विकेट को रोक कर खेलना होगा लास्ट विकेट है मैच को जीतने के लिए लाजवाब बैठे एक अच्छे खासे प्लेयर है लेकिन लास्ट विकेट है कुछ भी हो सकता है शायद अगर लास्ट तक दोनों बैटमैन अगर टिकते हैं तो मैच जिता भी देंगे पांच रनों की जरूरत मुकाबला जोर तोड़ का चलता हुआ काफी रोमांचक मैच लाजवाब मुकाबला चलता हुआ और ये अड़तालीस के फिर से खेल दिया मात्र तीन रनों की जरूरत विकेट को टिक कर खेलना होगा काफी रोमांचक भरी है मैच लाजवाब मैच कौन है ये खिलाड़ी जो खेलना निकलाएगा ऐसे समय पर सभी प्लेयर का धड़कने बढ़ते हुए अभी तक चार बार मैच हुए हैं केपीएल के ग्राउंड पे जो एक बार फिर से ही फाइनल जीता था और एक बार चंद्रगहा ने फाइनल जीता था केपीएल ग्राउंड पे और एक बार रामनगर ने जीता चौथी बार पोकर भिंडा की टीम ने फाइनल जीता काफी खराब बैटिंग किया।